नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज देखिए हमारे पास ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसके अंदर देखिए पावर सप्लाई लगी हुई है और हमारी 20-30 आईसी है और सब बूफर पे यहाँ पर 18-75 लगी हुई है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसकी पावर सप्लाई बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है और देखिए पहले भी ये रिपेयर हो चुकी है और देखिए इसकी रेजिस्टेंस वगैरह सारी जल गई है। अब हम इसको सिंपल तरीके से रिपेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, जो सप्लाई की पावर है उसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ये देखिए ये प्रिंट काट दिया हमने। प्रिंट काटने के बाद यहाँ पर देखिए कैपेसिटर पहले से ही लगे हुए हैं। अब सिर्फ हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एक डाइवोड ब्रिज लगाना है। ये देखिए ये 5399 डाइवोड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए जिस साइड में हमारा कैपेसिटर का जो पॉजिटिव साइड है वहाँ डाइवोड का सिल्वर वाली जो दोनों पट्टी होती है वो रख देंगे और जो हमारी माइनस साइड होती है वहाँ पर क्या करेंगे हम, दोनों जो ब्लैक वाली पट्टी होती है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी पॉजिटिव साइड में लग जाएगी। तो ये हमारी पॉजिटिव साइड में हो गई और ये हो गई हमारी नेगेटिव साइड में। ये देखिए नेगेटिव साइड में हमारा देखिए यहाँ लग गया ये, और जो हमारा पॉजिटिव साइड है यहाँ वहाँ सिल्वर वाली पट्टी लग गई देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपेसिटर की जो बीच वाले पॉइंट है, जो ग्राउंडिंग पॉइंट है, अब ट्रांसफार्मर के यहाँ 3 वायर होते हैं। अब देखिए ये जो एक वायर है हमारा 12 वोल्ट का, ये यहाँ लग जाएगा। फिर जो 12 जीरो होता है, जो जीरो जीरो लगेगा हमारा कैपेसिटर के, जो दो कैपेसिटर आपस में जो प्रिंट जुड़े हुए रहते हैं, जो ग्राउंडिंग पॉइंट होता है वहाँ, और ये 12 यहाँ। ये देखिए इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। देखिए जो हमारा बीच वाला जो वायर था वो कैपेसिटर के ग्राउंड पे आ गया बीच वाले पे, और माइनस वोल्टेज प्लस वोल्टेज पे हमारा देखिए ये ब्रिज आ गया और फिर हमारा 12 और 12 वोल्ट लग गया, ये ट्रांसफार्मर लग गया। अब मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ। बोर्ड हमारा एकदम ओके हो गया है। तो ये देखिए ये हमारा मीटर, और मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। वोल्टेज हमारी एकदम ओके आ गई है यहाँ पर। ये देखिए, तो ये देखिए मैं मीटर को जो है सही लगा लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी माइनस वोल्टेज भी बनने लग गई और ये हमारी प्लस वोल्टेज। इस तरीके से हम बोर्ड को ओके कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी SMP सप्लाई होती है जो हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो इतने ही आसान तरीके से हम इसमें ट्रांसफार्मर लगा के इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। और दोस्तों अभी मैं इस बोर्ड को पूरा कंप्लीट करके होम थिएटर में लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर हमने इसका अंदर कस दिया है और वायरिंग इसकी बाहर निकाल ली है, देखिए इस तरीके से बड़ी करके, जो हम आराम से सोल्डिंग कर सकें। और नीचे से देखिए स्क्रू लगा दिए हैं यहाँ पर। अब इस बोर्ड को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके सोल्डिंग अब सारे यहीं कर देंगे और बहुत आसान तरीके से हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर की जो मेन वायर है वो हमारी मेन लीड पे आ गई, जहाँ पर हमारी मेन लीड के कनेक्शन होते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच जो लगा हुआ है, ये देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है, इसके कनेक्शन पे हमने ट्रांसफार्मर के वायर के AC वाले कनेक्शन कर दिए जो 220 वोल्ट के होते हैं, और जो हमारे 12-0-12 के कनेक्शन है वो हमारे वैसे ही है जैसे मैंने आपको दिखाए थे। तो अब इसको सेट को कंप्लीट करके दोस्तों अब चला के देखते हैं।